हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग वर्गो। अगर सन मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी वर्गो यानी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए थीथ आप पे ध्यान ना देते हुए ध्यान किस पे, एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है एनर्जीज आप लोगों के साथ मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती हैं तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। इसमें हम चेक करेंगे कि नवंबर 2022 का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों का कैसे रहने वाला है। सो प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर वर्गो कन्या राशि फॉर नवंबर 2022। सो लेट्स सी वर्गो कन्या, टैरो आपके बारे में क्या कहता है। लेट्स स्टार्ट इट। Page of Pentacles, Three of Swords in Reverse, Knight of Pentacles, आपका चैलेंज है द डेथ, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं वर्गो दैट जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो वो मुझे बहुत स्ट्रांग टॉरस वर्गो एंड आप ही की कैप्रिकॉन राशि के लग रहे हैं। वैसे लीब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी है, बट टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैं देख सकती हूँ कि पास्ट में आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिस भी कंसर्न में रीडिंग देख रहे हैं आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड न्यू बिगनिंग करने की आप कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं आप मुझे, एंड क्यों पता नहीं मुझे आपकी बिजनेस रीडिंग ज़्यादा लग रही है। इसलिए करियर के सेक्टर में आप न्यू पाथ जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड काफ़ी प्लान्स मुझे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपको अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिले, आप ग्रो कर सके, इसलिए आप मेरे को काफ़ी स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट समहाउ जो आपने मैनिफेस्ट किया है या जो आपने जैसे चीज़ें चाही हैं या प्लान करी हैं वो वैसे अकॉर्डिंगली हो नहीं पाई हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इन प्रेजेंट। एंड ये जो इक्लिप्स सीज़न हमारा चल रहा है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, इसने काफ़ी चीज़ें आपके लिए ख़राब करी हैं। मीन्स जैसा आप चाह रहे थे कि ये चीज़ें ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी वो वैसे फिगर आउट नहीं हुई हैं, आपको एक लॉस का सामना करना पड़ा है एंड काफ़ी स्टक आप मुझे नज़र आ रहे हो। हार्ट ब्रेक भी मैं देख सकती हूँ, अगर आप लव कंसर्न में देख रहे हो ये रीडिंग तो हार्ट ब्रेक भी मैं देख सकती हूँ। एंड बेसिकली आप उस लॉस से डील नहीं कर पा रहे हो, एज हमारा चैलेंज भी डेथ एंड रीबर्थ है जो हमारे लूनर इक्लिप्स का थीम भी है एंड वो आपके यहाँ चैलेंज के रूप में है। तो आई एम डैम श्योर ये लूनर इक्लिप्स ने डेफिनेटली आपके साथ कुछ मेजर किया होगा जिससे चीज़ें आपको सर्व नहीं हो रही हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है अब कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड यही आपका चैलेंज है कि आपको उससे डील करके उससे ओवरकम करना है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी या आपके बेनिफिशियल में जो है फिगर आउट नहीं हो पाई हैं उसे छोड़ दो, ठीक है ना। उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, अब आगे का सोचो, आगे का देखो कि आगे क्या करना है। जो तो होना था वो हो चुका, यू कॉन्ट चेंज दैट, बट अब आप आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करो कि अब उसे कैसे बेटर कर सकते हो, क्या आप क्या न्यू कर सकते हो। एज हमारा बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप देख रहे हो कि आपको अपने पेंटिकल्स की, आपको अपने बिजनेस की, करियर की, रिलेशनशिप जिस भी कंसर्न में आप देख रहे हो उसकी रूट्स मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर आप उसकी रूट्स मजबूत करोगे तभी ये प्लांट ग्रो करेगा। आपने पास्ट में प्लान्स तो बना लिए थे बट कोई स्ट्रेटजी ऐसी फुल प्रूव्ड नहीं थी या रूट से आपने ऐसा वर्क नहीं किया था कि जिसकी जड़ें मजबूत हों, इसीलिए वो आपको प्रेजेंट में जो है फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाई या आपके अकॉर्डिंगली वो नहीं चल पाई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है
ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है एंड दोबारा से ग्रो करने की कोशिश करनी है एंड इस बार अपनी जड़ें मजबूत करते हुए ग्रो करना है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम की जड़ ढूंढनी है एंड उस पर वर्क करना है एंड फिर आगे फर्दर उस चीज़ को लेके जाना है। आप जिस भी कंसर्न में देख रहे हो, चाहे आप ये रिलेशनशिप के कंसर्न में देख रहे हो, एंड मैं देख सकती हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप इस तरीके से डील करोगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन से, एंड जो भी प्रेजेंट में आपका लॉस हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ है या जो चीज़ें आपके फ्रूटफुल नहीं रही हैं, तो मैं देख सकती हूँ आप जो है इन फ्यूचर हार्ड वर्क करते हो नज़र आ रहे हो, मुझे डिटरमाइंड नज़र आ रहे हो, अपनी मटेरियल सिक्योरिटी पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, एक्सपैंड करते हुए नज़र आ रहे हो एंड यही आपका चैलेंज है। अगर आप इसे ओवरकम करोगे, उस पर वर्क करोगे, ये जड़ पे पहुँचोगे कि दिक्कत क्या है एंड उसे फिगर आउट करके उस पर काम करोगे, तो इन नियर फ्यूचर आपने जो गलती पास्ट में करी है आप उसे रिपीट नहीं करोगे एंड जब आपकी रूट मजबूत होंगी तो अब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है। लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हर कोई सोचता है कि क्या करना है क्या करना है, हाँ, बट अगर जिसको ये पता हो कि ये नहीं करना है, ऐसे हमारे थॉमसन एडिसन थे, जब उन्होंने बल्ब का जो है इन्वेंशन किया था तो वो 1000 times फेल हुए थे। तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको अभी तक तो बल्ब जो है इन्वेंट करने का तरीका मिला नहीं है। तो उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिप्लाई था, उनका रिप्लाई था उस रिपोर्टर को दैट हाँ, अभी तक ऐसा जो है कोई भी मेथड मुझे मिला नहीं है जिससे बल्ब इन्वेंट हो सके, बट मुझे 1000 ऐसे वेज पता हैं जिससे वो इन्वेंट नहीं होंगे। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए उनका कितना कमाल का था एंड टुडे वी ऑल नो कि जो लाइट है वो उन्हीं की देन है। तो ऐसे ही आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है एंड आपको जानना है कि अब आपको क्या नहीं करना है एंड क्या जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करके अपनी लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज एंड दूसरी ग्रोथ के लिए आगे वर्क करना है। वर्गो, ओके, बी रियल। आपका यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जो आप हो वैसे दिखाओ, बनावटी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जो है आपका हार्ट रोना चाह रहा है या आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, तो उसे बाहर निकाल दो ना, बी रियल। अगर अंदर ही रखोगे ना तो घुट जाओगे, ठीक है। एंड जो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं आ रही है भाई, समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है भाई, यू डोंट वॉन्ट दिस वे, नहीं चाहिए भाई, तो बी रियल। दिल में कुछ और ज़ुबान पे कुछ मत रखो, अदरवाइज़ जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बिगड़ जाती हैं। ट्रस्ट, ऑल विल बी वेल। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उन पे भरोसा रखो एंड उन पे भरोसा रखोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है एंड बनावटीपन नहीं करना है, धोखाधड़ी नहीं करनी है एंड अपनी गलतियों से सीखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज शनिदेव जी हमारे मार्ग ही चल रहे हैं एंड मेहनत का फल, चाहे वो चप्पलें घिसवा दें, चप्पलें तोड़वा दें, पर मेहनत का फल वो ज़रूर देते हैं एंड शनिदेव जी हमारी मार्गी हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आप जिस भी कंसर्न में रीडिंग देख रहे हो, चाहे बिजनेस सेक्टर में, फैमिली सेक्टर में, लव सेक्टर में, आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट्स पुट कर रहे हो, उसका इंतज़ार करना आपको वर्थ करेगा। उस पर वर्क करना, उस पर एफर्ट्स डालना, उसके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट लेना, उस की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना आपके लिए वर्थ टेकिंग है। बस यूनिवर्स पे आपको भरोसा रखना है एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ अकेले कर लोगे, वेल एंड गुड, बट अगर आप औरों की हेल्प लोगे तो चीज़ें और फास्टली ग्रो हो जाएंगी एंड आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड आपको पता होगा कि और क्या करना है, और क्या करना है, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आस्क योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प, जिनसे आपको लगता है कि हेल्प मिलके चीज़ें फास्टली एंड जल्दी बेटर एंड ग्रो हो पाएंगी। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गो, होप दिस रीडिंग हेल्प्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।